बीएसएनएल में पोर्ट कैसे करें जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बीएसएनएल में पोर्ट कराना बहुत ही आसान प्रोसेस है, लेकिन बीएसएनएल के बारे में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है, पोर्ट कराने से पहले यह इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। देखिए, इस बात में कोई संकोच नहीं है कि बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है। अगर सरकार चाहे तो जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया को जबरदस्त टक्कर दे सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, 3 जुलाई 2024 से सभी टेलीकॉम कंपनी जो है अपने रिचार्ज की कीमत को बढ़ा दिया है। पहले तो जियो ने बढ़ाया था, उसके बाद एयरटेल ने बढ़ाया, उसके बाद वोडाफोन आइडिया भी बढ़ा। जिस तरह से रिचार्ज की कीमत बढ़ाया गया, आपको अंदाजा भी नहीं होगा, 20 से 25% तक रिचार्ज की कीमत को बढ़ा दिया गया है। बहुत सारे यूजर नाराज भी है, चाहे जियो एयरटेल या वोडाफोन की बात करें तो इन तीनों कंपनी को छोड़कर बीएसएनएल में पोर्ट कराना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, आइए हम आपको बता देते हैं। बीएसएनएल में पोर्ट करवाने के लिए सबसे पहले मैसेज बॉक्स को ओपन कर लें, उसके बाद 2 में 1900 को टाइप कर, इसके बाद जहां से आप मैसेज टाइप करते हैं वहां पे कैपिटल में PORT पोर्ट लिख दें, उसके बाद स्पेस देके जिस भी कंपनी का आपके पास सिम है, एयरटेल जियो या वोडाफोन आइडिया को, उस कंपनी का नंबर यहाँ पे टाइप कर दें। उसके बाद आपको जो भी आपके फ़ोन में सिम होगा, जिस सिम को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं बीएसएनएल में, उससे आप मैसेज को सेंड कर दें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे पोर्टिंग कोड तुरंत ही सेंड कर दिया जाएगा। पोर्टिंग कोड कुछ इस तरह से दिखता है, जहां से AB से स्टार्ट हो रहा है वही आपका एक पोर्टिंग कोड। देखिए, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका बीएसएनएल का पोर्टिंग कोड आ जाता है, आपको बीएसएनएल ऑफिस चले जाना है, वहां पे आपको आधार कार्ड लेके जाना है, वहां पे आपको फोटो लिया जाएगा, आधार कार्ड लिया जाएगा, इसके बाद आपका जो है बीएसएनएल में पोर्ट कर दिया जाएगा। अगर आप बीएसएनएल को ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तो आप आपके आसपास बाजार में या शहर में जो बीएसएनएल के सिम बेचता होगा उसके पास ये ID रहता है कि आपका वो सिम पोर्ट करवा देंगे, तो उसके पास भी आप लेके जा सकते हैं आधार कार्ड और आप अपना एक फ़ोटो, या नहीं तो वहाँ पे फ़ोटो भी डिजिटल रूप से आपका ले लिया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे आपका बीएसएनएल में पोर्ट करा दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे पोर्टिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन आपको सिम का चार्ज देना पड़ेगा, 100 रुपया से लेकर 150 रुपया तक, ये सिर्फ वन टाइम होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बार रिचार्ज कराना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी प्लान से बीएसएनएल में रिचार्ज करा सकते, और नंबर में आपका कोई भी बदलाव नहीं रहेगा, जिस नंबर से आप पोर्ट करवाए सेम वही नंबर आपको मिल जाएगा। और जब तक आपका बीएसएनएल का सिम चालू नहीं हो जाता है, तब तक आपने जो भी कंपनी से पोर्ट करवाया है, जैसे एयरटेल से बीएसएनएल में गए हैं या जियो से बीएसएनएल में गए या वोडाफोन से बीएसएनएल में गए हैं, तब तक वो आपका सिम चालू रहेगा। बीएसएनएल सिम में अगर आप पोर्ट करवाते हैं, 3 से 5 दिन का आपका समय लग जाता है, तब तक आप जो भी सिम आपके पास वर्तमान में है उससे आपका कॉलिंग इंटरनेट चलता रहेगा। जैसे ही बीएसएनएल सिम चालू हो जाता है, तुरंत ही आपका वर्तमान सिम बंद हो जाएगा जिससे आपने पोर्ट करवाए हैं। अगर आपके एरिया, अगर आपके गांव में, अगर आपके शहर में बीएसएनएल का नेटवर्क अच्छा रहता है तो आप बीएसएनएल में पोर्ट करवा सकते हैं। जहां आप रहते हैं एक बार आप पता कर लीजिए क्या यहां पे बीएसएनएल का नेटवर्क रहता है या नहीं, अगर रहता है तो आप बीएसएनएल में पोर्ट करवा सकते हैं, नहीं तो जहां पे अभी वर्तमान सिम चला रहे हैं वही चला सकते हैं। मिलते हैं किसी एक और नए टॉपिक के नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो भी कर सकते हैं, रिचार्ज से रिलेटेड वहां पे हम अपडेट देते रहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं।